गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। सो आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ट्यूसडे टॉक पे। तो मैं आपको बेसिकली बता देना चाहूँगी, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो ट्यूसडे टॉक में हम लोग ऐसी बातें करते हैं जो हमें हमारी डेली लाइफ में हम फेस करते हैं और उस पर हम बात करते हैं, सो दैट कि वो सॉल्व आउट हो सके। और ये बातें हम और आप साथ में करते हैं। मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि किस बारे में बात करना है एंड ऑल, और फिर हम ट्यूसडे को ये बातें करते हैं। सो एकदम मॉर्निंग के 9 भी नहीं बजे हैं अभी, और मैं छत पे धूप में बैठी हुई थी। मैंने कहा कि जब सर्दी स्टार्ट होती है तो धूप में बात करने का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। सो मैंने सोचा कि यही आप लोगों से बात किया जाए। एंड अगर आप यहाँ नए हो और आप मुझे नहीं जानते, सो लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टाइप के चीज़ें करती हूँ, लाइक डेली लाइफ ब्लॉग्स बनाती हूँ, इस तरह के ट्यूसडे टॉक करती हूँ, और थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को गाइड कर लेती हूँ थोड़े बहुत और ये स्टडी ब्लॉग्स वगैरह, स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट लाइफ भी शेयर करती हूँ, तो सारा कुछ होता है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग बात करेंगे हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट। आई थिंक हम लोग अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर नहीं भी है तो कभी तो स्टूडेंट रहे ही होंगे, और अगर आप कोई भी चीज़ में हैं आज के टाइम में, तो जो भी हम कभी काम करते हैं तो कई बारी ऐसा होता है कि हमें खुद के ऊपर डाउट होता है। लाइक हम सब कुछ अच्छा कर रहे थे, बट इनर माइंड हमें कह रहा था कि क्या ये सही है, लाइक क्या तुम ठीक तो कर रहे हो ना। लाइक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आता है, एक्चुअली हमारे सबके माइंड में आता है। एंड इसी के चलते कई बार हम बैकस्टेप चले जाते हैं एंड आगे बढ़ने से डरते हैं, जो कि मेजर प्रॉब्लम होती है आज के टाइम में। आई थिंक मैं खुद भी फेस करती हूँ ये सारी प्रॉब्लम, और इसी के लिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस करना चाहिए हमें सेल्फ कंपैशन को। सो इसका मतलब ये है कि जैसे कि देखो, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग गलतियाँ करके ही सीखते हैं, तो इट्स ओके टू डू सो। कोई बड़ी बात नहीं हो गई अगर हमने कोई चीज़ करा और वो गलत हो गया या गलती हो गई अपने से। हम इसी तरह तो ग्रो कर रहे हैं ना, यही तो हमें ग्रो करने में मदद कर रहा है ना। लाइक हम, हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो उससे ज़रूर सीखने की कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो, ताकि हम ऐसे सर्कल में ना घूमते रहे बार बार सेम मिस्टेक करके। हमें उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आगे के लिए सोचना चाहिए, और हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए कि ठीक है, तुमसे एक बार गलती हो गई डजंट मीन कि हमेशा ही गलती करोगी। अपने कहते हैं लोग कि अपने रास्ते बदलें, अपने मंजिल को नहीं बदलना चाहिए। सो दैट हम जो भी काम करते हैं, हमें जो भी चीज़ में डाउट होता है, आप उसके मेथड्स चेंज कर दीजिए जहाँ पर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, बट मंजिल को वहीं रखिए, ये कहने की बात हुई है। तो आई रियली होप कि फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। सो गाइज, दिस पार्ट ऑफ वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई अनअकैडमी। सो गाइज, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट UG 2021 क्रैक किया है अनअकैडमी से पढ़कर, एंड यू कैन बी नेक्स्ट। सो गाइज, नेक्स्ट चीज़ है अनअकैडमी लेके आया है रिवाइव, अनअकैडमी रिवाइव नीट UG 2022 के लिए। आप इसमें अच्छे प्राइजेस जीत सकते हो, स्कॉलरशिप जीत सकते हो, रैंक 1 से 100 तक को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बाद 50%, फिर 15%, और फिर अदर रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। आप मेरा कोड NISHU10 यूज़ करके फ्री में एनरोल हो सकते हो, और बहुत ही सही है, ज़रूर देना इसको। और टॉप 100 स्टूडेंट को मेंटरशिप भी मिलेगा टॉप एजुकेटर से, सो ज़रूर एनरोल कर लेना। एंड आप अगर ये टेस्ट देते हो तो एक तरीके की प्रैक्टिस भी होगी, और आप अपना पूरा डिटेल रिपोर्ट्स वगैरह आपको मिलेंगे, तो आप एनालाइज कर पाओगे। बहुत सही है, ज़रूर देना। सो नेक्स्ट चीज़ है नीट UG कॉम्बैट। यू कैन विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 करोड़ प्लस रुपीज़, एंड एवरी संडे को होता है ये 11 AM में, 45 मिनट्स के लिए होता है, 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सो डेफिनेटली आपको ये अनअकैडमी कॉम्बैट देना चाहिए एंड ज़रूर देना, फ्री में एनरोल कर लेना NISHU10 कोड यूज़ करके। सो अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट। टॉपिक वाइज DPPs होते हैं यहाँ पे, और आपका ना टेस्ट होता है मंडे टू थर्सडे, तो डेफिनेटली आपको ये देना चाहिए। 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, फ्री में एनरोल कर लेना NISHU10 कोड यूज़ करके।
सो सेकेंड पॉइंट है कि रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट्स. सो इससे मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम स्कूल में कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता था या कभी हमें कोई ऐसी काम मिलती थी जो हमें लगता था कि टफ है, बट हम एंड करते थे उसको एकदम परफेक्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें लगता था कि यार हमने ऐसा कुछ किया नहीं है. लाइक मेरे साथ क्या होता था, हमें साइंस प्रोजेक्ट वगैरह मिलती थी ना जहाँ पे वर्किंग मॉडल्स बनाने होते, तो मेरे लिए वो बहुत टफ रहता था. इट्स लाइक हमें ऐसे होते थे कि यार कैसे बनाएंगे, बट जब स्टार्ट करने के बाद जब वो बन जाता था, लाइक मैं ऐसे सोचती हूँ कि कितना सही चीज़ बनाई है मैंने यार, एकदम परफेक्ट बनाई है. सो द थिंग इज, हमें कई बार शुरुआत में सेल्फ डाउट होता है, हम खुद पे डाउट करते हैं कि ये हमसे होगा कि नहीं, बट हम एंड करते हैं एकदम बढ़िया हो जाता है. और कई बार हम मिस्टेक्स भी करते हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसा बहुत बार हुआ है जब हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता, तो लेकिन कोशिश करते हैं फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं तो ज़रूर हो जाता है ना. तो कहने का मतलब, आपने पिछले लाइफ में जितना भी जो भी अचीवमेंट्स आपने अब तक करे हुए हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि अरे तुमने ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया. ऐसा नहीं कि तुम सारा कुछ गलती करते हो, तुमसे हुआ है बहुत बार बहुत सारी अच्छी चीज़ें. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक कोई बहुत सारे बच्चों के स्कूल के रिजल्ट्स कभी बार कभी किसी क्लास में ख़राब हो जाता है. इट डजेंट मीन्स कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं करता, वो नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेता है. इट्स हमें ना हर एक नई चीज़ को ना एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए और उसको एक नए तरीके से करना चाहिए. हमें ज़्यादा पास्ट के ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि यार हमसे पिछली बार तो हुआ ही नहीं था, अब तो क्या ही कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है. और इस तरीके से मतलब अपने माइंड को जितना ज़्यादा पॉजिटिव बना सके उतना ही ज़्यादा बनाने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आप अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं इस ऐसे अच्छे थॉट्स के साथ. सो मुझे याद है कि मैं लाइक मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं यूट्यूब से देख देख कर जो भी चीज़ें होती थी मैं बना लेती थी, और बहुत कम समय में, लाइक मुझे बहुत जल्दी आ जाता था. तो मैं जब मुझे कभी ऐसा लगता ना कि यार तुमसे कुछ होता नहीं है, रिमाइंड करती यार तुम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती थी, जस्ट थिंक कि तुम कुछ तो अच्छा कर ही सकते हो, तुमको कुछ तो आता है, ये वाला थॉट है लाइक. और वो चीज़ रिपीटेटिवली करने की कोशिश करो तो तुमको लाइफ में ऐसा लगेगा कि यार तुमसे चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं होती चीज़ें. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. सो थर्ड पॉइंट है, ट्राई नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जहाँ हम पीछे होते हैं. लाइक हम अगर किसी और से कंपेयर करते हैं, वो भी कुछ ऐसी चीज़ों में जिसमें हम थोड़े से कम है और कोई हमसे थोड़ा ज़्यादा है, तो हम डेफिनेटली खुद को पीछे खींच रहे हैं, जो कि एक गलत चीज़ है. प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद शर्मा जी का लड़का एंड वर्मा जी का लड़का, बिकॉज रहने दो, वो जो है वो है, तुम जो हो वो तुम हो. सो द थिंग इज़ कि आप खुद में कंपेयर कीजिए कि आपने कितना ग्रो किया है बीते हुए सालों में, बीते हुए महीनों में, क्योंकि आपका ग्रोथ, आपका जो ग्रोथ है वो आपको हेल्प करेगा आपको एक बेटर पर्सन बनाने में, एक बेटर इंसान बनाने में. बिकॉज जो इंसान खुद से मेहनत करता है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, वो बहुत अच्छा बन पाता है कभी ना कभी, डेफिनेटली. लेकिन जो दूसरों से सिर्फ कंपेयर करते रह जाता है, तो फिर वो खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता, वो सिर्फ कहीं ना कहीं परेशान ही रहता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, वो कर पा रहा है, वो कर पा रहा है, इस तरह से. तो प्लीज़ कंपेयर करना बंद कर दो. और कोई अगर तुम्हें कंपेयर करता है ना, तो बस रहने दो, सुनो ही मत और उसको ज़्यादा दिल पे मत लगाओ. तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो अपनी कैपेबिलिटीज़ और तुम जानते हो अपने सारे प्रॉब्लम्स. सो इस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाओ. सो फोर्थ पॉइंट है, आप अपना टाइम जो है ना एक सपोर्टिव पर्सन के साथ स्पेंड करो. बिकॉज ऐसा इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि अगर हम किसी ऐसे सपोर्टिव इंसान के साथ बातें करते हैं, तो वो हमें थोड़ा समझा पाता है कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम कर लो, ऐसे कर लो, फिगर आउट करता है वो इंसान आपसे, जिससे भी आपको लगता है कि इससे बात करके थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो आप डेफिनेटली उनसे बातें करो. कई बार ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आता, तो मैं अपने दोस्तों को कॉल कर लेती हूँ कि भाई मुझे नहीं आ रहा समझ, मुझे बता दो क्या करना है नहीं करना. इस तरह से
चीज़ें होती है, कई बार मेरे दोस्तों को नहीं आता तो वो मैम से बात कर लेते हैं। तो द थिंग इज़ जो लोग सपोर्टिव है, जो तुम्हें समझते हैं अच्छे से, जो तुम्हें अच्छे से गाइड कर पाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम से तुमको जज नहीं करते, इनफैक्ट तुम्हें सजेस्ट करते हैं अच्छी चीज़ें, तो उनसे जाके बात करो और सॉल्व आउट करने की करो चीज़ों को। और जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं उनसे जितना ज़्यादा दूरी बना के रख सकते हो उतना ज़्यादा रखो, क्योंकि वो हेल्प करेगा। एंड जो तुम्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है उसके साथ रहो, उससे बातें करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और ऐसा कहते हैं कि इस तरह के पॉजिटिव इंसान लोगों के साथ रहकर आप भी पॉजिटिव होते हो। सो इस तरह से रहो, और कभी भी अकेले मत, ऐसे मत सोचो कि अरे खुद से ही ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बातें करने से चीज़ें सॉल्व आउट होती है और ठीक होती है, तो डेफिनेटली वो करना चाहिए हम लोगों को। सो फिफ्थ पॉइंट है, फाइंड वैलिडेशन फ्रॉम विद इन। दिस इज़ समथिंग कि यू नो, सब कह रहे हैं कि दैट तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, दैट्स फाइन, तुम अच्छा कर रहे हो, सारे लोग कह रहे हैं, बट तुम्हें खुद भी लगना चाहिए कि तुम सच में अच्छा कर रहे हो। तुमको खुद से भी वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ तुमने सही किया है, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि सेल्फ डाउट हम खुद से ही क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह से हमें खुद से ही यू नो भरोसा दिलाना पड़ता है खुद को कि तुम ठीक हो, तुम सही कर रहे हो। तो ये सारी पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि डिस्कस करने चाहिए और जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ अपने डे टू डे लाइफ में जब भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। और आई रियली होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स हेल्प करें आपके सेल्फ डाउट को हटाने में। एंड इसी तरह से हम हर ट्यूसडे को नई नई चीज़ों पे बातें करेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। तो आप मुझे #TuesdayTalk के साथ मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी तरीके के नो टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट ट्यूसडे डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बोलना पड़ता है कि यार अब कर लिया करोगे, क्यों बोलना पड़ता है मुझे बार बार। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप मुस्कुराना।